हेलो रवान, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक मरीज आया, अपने रिंकल्स के लिए परेशान था और जिल्द के दरकने की वजह से परेशान था। तो उसके काफी सारे सवाल थे, जो कि मुझे अंदाजा ये हुआ कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये सारे सवाल हमसे पूछने होते हैं। तो हम इसी को एक YouTube वीडियो की शक्ल इख्तियार करके आपके लिए रिकॉर्ड कर दें, ताकि आपके सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो से मिल जाए। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान, रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, फुली इक्विप्ड लेजर हेयर रिमूवल, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, स्किन डिजीजेस, नेल इश्यूज, हेयर फॉल इश्यूज, यू नेम इट वी हैव इट अंडर अ क्वालिटी टैग। सो देयर वी गो, हम अपनी कंसल्टेशन का आगाज करने लगे हैं। ये खातून है हमारे पास 35 ईयर्स की, और इनके कुछ सवाल आते हैं। इनके चेहरे पे कुछ झुर्रियां आ गई हैं, कुछ हल्का सा डुअल टोन बन गया, कुछ ब्लेमिशेज आ गए हैं, कुछ इनको महसूस होना शुरू हो गया है कि जैसे इनकी जिन लटक रही है, यहाँ पे कुछ जाउल्स बन गए हैं, लाफ लाइन आना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ सवाल करना चाहती हैं जो हम इनके तवसत से आपको भी हम सुनवाई देंगे। आपकी इजाजत है जी। जी अच्छा मैम, ऐसा है कि मेरी स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, अच्छा मुझे जैना बताइए आप कि आपको रिंकल्स कितने महसूस हो रहे हैं और कहाँ कहाँ महसूस हो रहे हैं? अभी मेरे जो चीक्स हैं इन पे रिंकल्स आ रहे हैं और फोरहेड पे। ठीक है, सो बेसिकली पेशेंट हमारा डिस्कस कर रहा है फ्राउन लाइंस को और क्रोस फीट को। ठीक है, फ्राउन लाइंस होता है कि जब आप माथा चढ़ाते हैं तो माथे के ऊपर लाइनें आती हैं, और क्रोस फीट होता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपको यहाँ लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, ये इन रिंकल्स को लेके परेशान हैं, और फिर ये चाह रही हैं कि इनके इलाज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये अगर आपको लाइनें डायनेमिक हो, आप मेरे लिए आंखें चढ़ाइए, जरा स्माइल करिए। ओके, सो बेसिकली इनको डायनेमिक लाइन्स हैं। डायनेमिक लाइन्स का मतलब ये है कि आपको जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तो लाइनें आती हैं, और अगर आप एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, स्टैटिक बैठे हैं, तो देर आर नो लाइंस। डायनेमिक लाइंस के लिए, यानी इट्स जस्ट विद द मूवमेंट ऑफ द मसल, इनके लिए बेहतरीन तरीकेकार होता है टॉक्सिन इंजेक्ट करना। टॉक्सिन का मतलब बोटुलिनम टॉक्सिन, दैट मींस बोटॉक्स। कितने नामों में है, एलर्गन, बोटुलैक्स, मीटॉक्स, इवोटॉक्स, अ लॉट ऑफ वैरायटीज। तो लेकिन बोटॉक्स लगाना डायनेमिक लाइंस के लिए सबसे बेहतरीन अमल होता है एट द राइट टाइम। अगर आप बोटॉक्स नहीं लगाते तो ये लाइनें बढ़ते 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 स्टैटिक लाइंस बन जाती हैं। स्टैटिक लाइंस का मतलब ये है कि अब गहरी हो गई हैं लाइनें, और अगर आप एक्सप्रेशन नहीं भी देंगे तो आपको लाइनें बनेंगी। तो फिर अगर आपको डायनेमिक लाइंस हैं जैसे हमारे मरीज को है, बोटॉक्स इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। लेकिन अगर स्टैटिक हो जाएं तो फिर उसके अंदर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। अच्छा मैम, ऐसे कि अगर मैं बोटॉक्स अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर इसके लिए मेरे पास क्या सजेशन है? बिल्कुल ठीक है, अब ऐसे भी मरीज बहुत सारे हमारे पास आते हैं। ठीक है, अगर आपको डायनेमिक लाइंस हैं और आप रफली 30 मिड 30s के अंदर हैं, बहरहाल बोटॉक्स इज अ नेसेसिटी टू फिक्स योर रिंकल्स। और अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आई हैव सीन लेडीज जो पहले कमेटियां डाल के अपने कपड़े बनाया करते थे, तो आप कमेटी शमेटी डाल के कोई पैसे जोड़ के अपने बजट के हिसाब से बोटॉक्स चूज कर सकते हैं। आमतौर पे बोटॉक्स की जो रेंज है, प्राइस रेंज है, वो 25,000 से शुरू होकर 55,000 60,000 तक आपको बोटॉक्स कॉस्ट करता है, और आपको तकरीबन साल में 2 दफा लगाना पड़ता है। तो अगर आपके लिए ये बड़ी नेसेसिटी है, आप अच्छा दिखना चाहते हैं और आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और शौकीन हैं, तो आप साल में 1 दफा कम से कम 25,000 रुपए या साल में 2 दफा 25,000 रुपए अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि आप इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, देन यू स्टार्ट विद टॉपिकल क्रीम्स एंड देन यू स्टेप ऑन टू सर्टन अदर ट्रीटमेंट्स। अगर तो सिर्फ आपके स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स आ रही हों, यानी फाइन लाइन्स मतलब बारीक बारीक लाइनें, तो आप टॉपिकल क्रीम्स यानी नाइस गुड AM PM रूटीन, यानी सुबह आपने कुछ चीज़ें चेहरे पर लगानी और रात को कुछ चीज़ें लगानी हैं, और फिर अगर आप उसके साथ कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स लेने चाहें तो फिर आप कर सकते हैं हाइड्रोफेशियल्स ले सकते हैं, डर्माब्रेजन्स ले सकते हैं, केमिकल पील्स ले सकते हैं, लेजर रिसर्फेसिंग्स ले सकते हैं, और कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जैसे कि PRP, जैसे कि पेप्टाइड, जैसे कि मीजोथेरेपी, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन, प्रोफाइलो इंजेक्शन, ये सब ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप बोटॉक्स छोड़ के डायनेमिक लाइन्स के लिए, डायनेमिक लाइन्स कहते हैं कि आपने एक्सप्रेशन दिया और आपको रिंकल बने, अगर आप बोटॉक्स छोड़ के बाकी के ट्रीटमेंट्स में जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको कम प्राइस टैग पड़े, लेकिन मिला के प्राइस टैग ज़्यादा हो जाएगा। यानी हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता पैसे देंगे, और जब आप उनका कलेक्टिव बैलेंस देखेंगे तो वो ज़्यादा हो चुका होगा बोटॉक्स की कीमत से लेके। हालांकि अगर आप इन सब चीज़ों को ओमिट करते और बोटॉक्स कराते तो आपका 25,000 से 28,000 रुपये या द बोटॉक्स यू चूज फॉर योरसेल्फ, उस हिसाब से आपको तकरीबन मिनिमम बोटॉक्स 25,000 रुपये का होता है। 25,000 रुपये के अंदर आपको 2 हफ्ते के अंदर रिंकल्स खत्म हो जाते, और साथ आप कुछ टॉपिकल AM PM रूटीन करते, तो ये आपका मिनिमम बजट में मैक्सिमम बेनिफिट होता। यानी चूंकि आप मेरे पास आए थे रिंकल्स ठीक कराने के लिए,
तो आपके रिंकल्स भी ठीक हो जाते और आपको मिनिमम पैसे भी लगते। लेकिन चूंकि एक आम क्लाइंट हमारा ये सोचता है कि ये बहुत महंगा इंजेक्शन है और फिर वो पैरेलल ट्रीटमेंट्स में जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोफेशियल, जैसे कि डर्मोब्रेशन, जैसे कि पीआरपीज, जैसे कि मीजोथेरेपीज, और अगर आप कलेक्टिवली देखें 6-7 महीने के बाद तो आपके रिंकल्स भी वही होते हैं और पैसे भी बहुत खर्च हो चुके होते हैं। लेट्स से हम इसको डिस्कस करें, हाइड्रोफेशियल कम अज कम 5,000-5,500 रुपए का आपको कॉस्ट करता है। डायनेमिक लाइन के ऊपर इट्स जीरो, लेकिन हाँ स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन होती है उसको कुछ हेल्प कर देता है। अगर आप पीआरपी की तरफ जाते हैं तो पीआरपी बेसिकली 8,000 रुपए, रफली 7-8,000 रुपए कॉस्ट कर रहा होता है। मंथली आपने कराना होता है, करीब 6-8 महीने कराते हैं। 8 महीने अगर आप पीआरपी कराए तो 64,000 रुपए खर्चा आता है। तब भी डायनेमिक लाइंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीआरपी सिर्फ स्किन और स्किन डीपर लेयर्स ऑफ स्किन के ऊपर काम कर रहा होता है, उनको रिजुविनेट कर रहा होता है। अगर आपको फाइन लाइंस हैं, यू कैन अवॉइड बोटॉक्स और आप डर्मोब्रेशंस, हाइड्रोफेशियल्स, पीआरपीज, मीजोथेरेपी, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायनेमिक लाइंस हैं तो फिर आपके लिए बोटॉक्स ही प्राइस फ्रेंडली भी है और आपको ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स भी देगा, टारगेटेड रिजल्ट्स भी देगा। अच्छा मैम, ऐसा है कि मैं अपनी स्किन के बारे में बहुत कंसर्न हूँ, मुझे ये कंसर्न बहुत है कि क्या मैं अगर 30-35 ईयर्स में टू अर्ली कि मेरी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी बोटॉक्स वगैरह से, या फिर चलेगा ये बोटॉक्स? ठीक है, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमारे बहुत सारे मरीजों को ये थॉट होता है कि शायद जब वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं तब तक उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, और जब वो कराना छोड़ देते हैं तो उनकी स्किन डाउन द लेन, यानी डाउन द ड्रेन चल जाती है, यानी डिक्लाइन कर जाती है, डिटरेट कर जाती है। ये मिथ बड़ा गलत है। उसकी वजह यह है कि ये ज़रूर है कि कुछ ट्रीटमेंट्स कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको फ़ायदा देते हैं और उसके बाद वो फ़ायदा देना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उसके बाद वो आपकी स्किन को फर्दर डिटरेट कर देते हैं। यू आर हैविंग इट, दे आर गुड फॉर द स्किन और आप अपने अच्छे स्किन को इन्जॉय कर सकते हैं। बट यू आर नॉट हैविंग इट, तो फिर आप अपने पुराने स्किन के ऊपर चले जाते हैं। बल्कि आई फील कि पुरानी स्किन पे आप नहीं जाते, फिर भी एक बेटर स्किन में रहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप सवाल करें कि अगर मैं अपने घर में लगे हुए पौधे को पानी दूं, तो ऐसा तो नहीं कि जब मैं पानी नहीं दूंगी तो वो खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो खराब हो जाता है, लेकिन हाँ चूंकि पानी उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है पौधे की, तो आप पानी देते रहेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर देना बंद कर जाएंगे तो खुश्क हो जाएगा। इसका ये खुश्क होने का जो अमल है, इसका आपका पानी देने से कोई ताल्लुक नहीं है, पानी ना देने से ताल्लुक है। इसी तरह स्किन को अगर आप चाहते हैं, जैसे आप अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा ओढ़ना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल। आप ये करना चाहते हैं, आप करते रहेंगे, यू विल कीप लुकिंग गुड। हाँ ये जरूर है कि इसके अंदर आपको साल में एक दफा या दो दफा क्लिनिक्स को विजिट करना पड़ता है और कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है स्किन के अंदर, और तभी आप परमानेंटली अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर आप एक दफा कोई ट्रीटमेंट करा लें और अगले 10 साल अच्छे दिखते रहें, तो अभी अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन स्किन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपको डील करना पड़ेगा। तो बोटॉक्स आपके लिए इस तरह नुकसान नहीं देता कि अगर आप कराएंगे तो आपको फायदा देगा और जब आप कराना छोड़ेंगे तो आपको नुकसान देगा। बोटॉक्स ऐसे आपको फायदा देता है कि जब आप करा रहे हैं तो आपको फायदा दे रहा है, और अगर आप नहीं करा रहे हैं तो आप उस फायदे से दूर हैं। अच्छा मैम, ऐसे कि जैसे आपकी एड्स आती हैं उसमें आप अपने बोटॉक्स को फिलर का जिक्र करती हैं कि आपको कोरियन और अमेरिकन है, बिल्कुल, तो स्किन पे जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो बहुत उसके बारे में कंसर्न होता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि क्या अगर मैं कोरियन लेती हूँ उसकी प्राइस कम है, क्या उसके रिजल्ट मुझे आएंगे, या फिर मुझे ये है कि मैं अमेरिकन ही लूँ? ओके, सो बेसिकली जो बोटॉक्स है, जो बोटॉक्स मेकर्स हैं, वो बेसिकली बॉट्यूलिनम टॉक्सिन को यूटिलाइज करके इंजेक्शन बना रहे होते हैं। दुनिया में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं बोटॉक्स मेकर्स के, जैसे एलर्गन हो गया, जियोमिन हो गया, देयर आर फ्यू अदर्स एज वेल, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं, जिनको FDA अप्रूवल्स मिले हुए हैं फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशन रिंकल्स वगैरह के लिए, और उनके मैन्युफैक्चरर्स बहुत रिनाउंड और बहुत रिलायबल हैं, इसलिए उनके रिजल्ट्स को हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि वो बहुत रिनाउंड ब्रांड्स हैं, दे कम विद अ प्राइस टैग। जैसे जैसे दुनिया के अंदर एक चीज मशहूर होती है तो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स दुनिया के अंदर पैदा हो जाते हैं उस स्पेसिफिक चीज के, क्योंकि उसकी बढ़ती डिमांड को देख के एवरीबडी यू नो जंप्स इन द इंडस्ट्री ताकि उनको भी नफा हो सके। फिर करते 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 बहुत सारे इंजेक्शन जो हैं वो अच्छे ग्रेड्स में आना शुरू हो जाते हैं कुछ ओवर ईयर्स अपने रिसर्च करके, और कुछ न्यू इंजेक्शन पैदा हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन बाकी के इंजेक्शन काम नहीं करते, लेकिन ऐसा जरूर है कि जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं दे आर मोर रिलायबल फॉर द डॉक्टर्स टू वर्क एज वेल। और फिर पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कुछ बोटॉक्स इंजेक्शन हैं जो वाया डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे होते हैं। ये मैंने इसलिए बात की क्योंकि जो बोटॉक्स इंजेक्शन है, कुछ बोटॉक्स
आ रहे हैं जिनको कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर उनको मूव करने की जरूरत होती है, वरना वो अपनी एफिकेसी यानी उनके काम करने की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं या बिल्कुल गिवअप कर देते हैं। अगर उस टेम्परेचर मेंटेन चेन के अंदर कहीं पे भी कोई ग्लिच हो, मतलब अगर आपका लेट्स से आप दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं तो दुबई से पाकिस्तान में लैंड किया और वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, तो वो इंजेक्शन काबले काम नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपका पाकिस्तान में कस्टम में पड़ा रहा और वो इंजेक्शन कंपनी ने नहीं उठाया और टेम्परेचर वेरिएशन आ गई, तब भी वो जाया हो गया। अगर कस्टम से आपने डिस्ट्रीब्यूटर लड़कों को दे दिया और लड़के को ये समझ में नहीं थी कि उसने टेम्परेचर मैनेज करना है, और उसने किसी टाइम पे बाइक के ऊपर वो आ रहे थे सप्लाई करने और उसने कोई टेम्परेचर का ख्याल नहीं किया, एक बैग में डाला और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आके किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म से, तो वो यूजलेस होगा, उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर चेन मॉनिटर नहीं होती। सो फॉर मी स्पेसिफिकली आई रिलाई मोर ऑन अ वेल रिनाउंड कंपनीज, वेल नोन कंपनीज जिनकी कोल्ड चेन को हम ट्रस्ट करते हैं, जो प्रॉपर वेल नोन कंपनीज हैं जिनकी कोल्ड चेन को ट्रस्ट करते हैं, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन के सेटअप्स हैं, जो कोल्ड चेन को अंडरस्टैंड करते हैं और जिनकी जिनके जो डिलीवरी बॉयज हैं वो इस कोल्ड चेन के प्रोसेस को रिलाई करते हैं। और ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऐसा चेक नहीं होता कि एक स्पेसिफिक इंजेक्शन के लिए वो कोल्ड चेन कहीं ब्रेक हुई कि नहीं हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंपनी नेम एंड बिकॉज ऑफ देयर रिलायबिलिटी और हमारे 10-12 साल के तजर्बे के ऊपर हम उनको ट्रस्ट करते हैं और हम वो इंजेक्शन यूज करते हैं, एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो कोई खास लेबल के अंडर काम नहीं कर रहे, जो बहुत रिलायबल कंपनीज के साथ काम नहीं कर रहे। सो बेसिकली इसलिए आपको प्राइस टैग भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जो रिलायबल कंपनीज होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनके रिलायबल वेल एजुकेटेड सप्लायर्स होते हैं, तो फिर उसका एक प्राइस टैग ऐड हो जाता है। लेकिन जो रफली इजीली अवेलेबल बोटॉक्स होता है मार्केट में, उसका प्राइस टैग थोड़ा सस्ता होता है, बट ऑब्वियसली दैट इज लेस रिलायबल एज कम्पेयर टू द रेनाउंड ब्रांड। लेकिन चाइनीज इंजेक्शन हैं, दे स्टिल हैव अ कैपेसिटी टू ग्रो फर्दर। लेकिन अगर आप बात किया जाए क्वालिटी बोटॉक्स के ऊपर, तो अगर बोटॉक्स की क्वालिटी अच्छी है तो जहां पे भी दुनिया के अंदर बॉटुलिनम टॉक्सिन यूज हो रहा है, दे क्लेम कि उनका इंजेक्शन 4 महीने चलेगा या 4 महीने मोस्ट इफेक्टिव होगा और उसके बाद वो डिटरेट करेगा। हम बहुत तरह के क्लाइंट्स देखते हैं, कोई क्लाइंट्स लेस कॉन्शियस होते हैं, कोई बहुत कॉन्शियस होते हैं। जो बहुत कॉन्शियस होते हैं वो कोई भी इंजेक्शन लगा दे 3-4 महीने के बाद वो री इंजेक्ट कराते हैं, और जो लेसर कॉन्शियस होते हैं और जिनकी एजेस अच्छी है, खुराकें अच्छी हैं और लाइफस्टाइल अच्छा है, 8-9 महीने भी निकल जाता है उनका इंजेक्शन अगर अच्छे प्राइस टैग के साथ, अच्छे नेम टैग के साथ हो। सो दिस इज अबाउट बोटॉक्स। और पाकिस्तान में एलर्गन इज रिलायबल ऑब्वियसली बिकॉज इट हैज़ अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देन कोरियन के अंदर भी कुछ यूज़ हो रहे हैं और चाइनीज़ के अंदर आई स्टिल हैव सम रिजर्वेशंस बिकॉज आई थिंक कि उनकी कोल्ड चेन्स का इतना प्रॉब्लम अभी है, डिलीवरी बॉयज इतने एजुकेटेड नहीं है। बट देन नाउ मार्केट के अंदर कोई ऐसा भी इंजेक्शन है जिसको इतने कोल्ड चेन की जरूरत नहीं होती, वो भी अवेलेबल हैं, सो ऑब्वियसली दे आर मोर रिलायबल बिकॉज आई टेकन टेस्ट ऑफ दैट इज वेल, दे आर वेरी इफेक्टिव एंड देन देर They've come under a reliable bracket. So, ma'am, इसके कितने session required होते हैं और क्या इसका result instant आता है या it take time? ठीक है. So basically, Botox के sessions नहीं required होते. Botox basically on average 4 months to 9 months में एक दफा कराना पड़ता है, depending on the injection you choose and depending on your lifestyle and you know your sensitivity about wrinkles. और sessions नहीं होते. जब आपने injection ले लिया, तकरीबन 7 to 15 days के अंदर इंजेक्शन के रिजल्ट्स बिल्ट होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत टचअप रिक्वायर्ड हो तो डॉक्टर कॉल्स यू अप आफ्टर 15 डेज फॉर अ फॉलो अप एंड दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ सेशन, लेकिन ये है कि फॉलो अप के लिए डॉक्टर बुलाता है और फिर जब आपकी दोबारा जरूरत हो आप दोबारा ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैम इट्स अ स्टार्ट, अभी मुझे रिंकल्स स्टार्ट हुए तो क्या इसके लिए मैं हाइड्राफेशियल की तरफ जा सकती हूँ या फिर मुझे बोटॉक्स और फिलर पे ही रहना होगा? ठीक है, सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि अगर डायनेमिक लाइन्स, अगर स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स आ रहे हैं, तो हाइड्रोफेशियल, AMPM रूटीन, डर्मोब्रेजन, केमिकल पील, रीसर्फेसिंग लेजर्स, ये सब कुछ काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको डायनेमिक लाइंस आ गई हैं माथे के ऊपर, तो उसके लिए आपको बोटॉक्स में ही रहना पड़ेगा। और अगर आपको स्टैटिक लाइंस भी बन गई हैं, तो फिर बोटॉक्स के साथ फिलर्स भी करने पड़ेंगे। और मैम ये प्रेगनेंसी में सेफ है? नो, बोटॉक्स इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी के अंदर बोटॉक्स नहीं ले सकते, लेकिन फिलर्स सेफ हैं, हाइड्रोफेशियल सेफ है, डर्मोब्रेजन सेफ है, केमिकल पील्स नहीं सेफ हैं। अच्छा मैम, अगर इन प्रोसीजर से हट के सिर्फ मैं मेडिकेशन पे जाऊँ तो क्या नेचुरली मेरी ये लाइंस कम हो सकती है? सो फॉर स्पेसिफिकली डायनेमिक लाइंस नो, लेकिन जो स्किन के ऊपर सुपरफिशियल लाइंस होती हैं वो कुछ AMPM रूटीन और कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करने से काफी बेहतर हो सकती हैं। आप
आप मुझे कोई मैम प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकती हैं एंटी एजिंग के लिए? बिल्कुल, प्रोडक्ट्स मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ आपके लिए, हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन एयर, इसलिए नहीं बताएंगे कि हर स्किन की एक स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, उनके रिंकल्स के अलावा को एग्जिस्टिंग इश्यूज होते हैं। जैसे हो सकता है आपको रिंकल्स भी आ रहे हो, लेकिन आपको एक्ने भी हो सकता है, आपको रिंकल्स भी आ रहे हो, आपको मलाज्मा भी हो सकता है, आपको रिंकल्स भी आ रहे हो, आपको एक्जिमास भी हो, तो फिर हम इंग्रेडिएंट्स को चूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप एंड अंडरलाइंग स्किन इश्यूज। आपको तो डेफिनेटली मैं लिख दूंगी, लेकिन ऑन एयर हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि ताकि जो पेशेंट्स हैं वो विजिट करें या डिस्कस करें अपने डर्मेट के साथ और फिर उसके बाद डिसाइड करें। अच्छा मैम, ऐसा है कि अभी इससे तो मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन अगर मैं इससे हट के मैं नेचुरली जा रही हूँ तो मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने होंगे जिसकी वजह से मेरे रिंकल्स थोड़े कम हो जाए? सो बेसिकली देखें, जो डायनेमिक लाइन्स है ना, ओके, आपकी जो रिंकल फॉर्मेशन का जो अमल शुरू होता है ना, वो होता है स्किन से लेके मसल्स तक, ठीक है? स्किन के अंदर बहुत सारी चीजें डिटेरिएट कर रही होती हैं आपकी स्किन को, एक तो एजिंग इटसेल्फ, ठीक है, आपके फाइब्रोब्लास्ट, आपके ग्रोथ फैक्टर्स कम बनना शुरू हो जाते हैं, सनलाइट, डिहाइड्रेशन, पुअर केयर, पुअर एक्सफोलिएशन, पुअर डाइट, स्मोकिंग, आपका इन्वायरमेंट है डस्टी है, पोल्यूटेड है, आपका जो यू नो प्रोफेशन है, आप टीचर हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके फैट लॉसेस हैं, अगर आप अग्रेसिव वेट लॉस करते हैं, और डायनेमिक लाइंस को स्पेसिफिकली लेके पुअर डाइट, मोर का यानी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, फैट डाइट, और फिर आपके एक्सप्रेशंस। तो पहले तो मैं आपको कहूंगी कि अपने एक्सप्रेशंस को कम दिया करें, ताकि आपका जब आप एक्सप्रेशन देना कम करेंगे या आप शीशे के सामने खड़े होकर रीड कर सकते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आप देते हैं जिससे आपके लाइन बनते हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं वाइल गिविंग एक्सप्रेशन, कीपिंग इन माइंड के आप उन एक्सप्रेशंस को कम दें ताकि वो एक्सप्रेशंस ना बने। इसके साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई एक्सरसाइज ऐड करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी वैस्कुलैरिटी को इम्प्रूव करती है, मसल के बेलीज को इम्प्रूव करते हैं, मसल बल्क को इम्प्रूव करती है, स्किन को टाइट करती है, कोलेजन रिडक्शन बढ़ाती है। तो आप अपने स्किन में अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज ऐड करें। इसके अलावा यू नो स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें, अपनी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट्स ऐड करें, AMPM रूटीन्स को ऐड करें, और अपने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा, वो आपके रिंकल्स को बढ़ा सकता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड डिहाइड्रेशन। और जस्ट इन केस कि आप बोटॉक्स से अफ्रेड हैं, नॉट फ्रॉम द प्राइस टैग बट विद द टॉक्सिन, तो फिर माइक्रोनीडलिंग RF इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट टू हैव इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड एनी सोर्ट ऑफ टॉक्सिन इन योर बॉडी, ठीक है? तो फिर अदरवाइज टॉक्सिन की जो क्वांटिटी होती है वो बड़ी सेफ होती है, बल्कि मोर देन सेफ होती है, और कोई इसके कोई केसेस रिपोर्टेड नहीं है कोई अनटूवर्ड इफेक्ट्स के। लेकिन अगर आप फिर भी जस्ट बाय एनी केस आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो या ना लेना चाहते हो या कोई आपके जेन में फियर्स हो, यू कैन गो फॉर माइक्रोनीडलिंग RF ट्रीटमेंट।